दोस्तों एडवेंचर में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों अगर आप अपने मोबाइल फोन के अंदर YouTube चलाते हो ना 2022 में, तो आज ये गलती बिल्कुल मत कीजिएगा। इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर जो है ना मोबाइल की YouTube एप्लीकेशन की कुछ ऐसे हिडन खुफिया राज के बारे में बताऊंगा, कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो आप में से 99% एंड्रॉइड यूजर इसके बारे में नहीं जानते होंगे। दोस्तों YouTube एप्लीकेशन से ढेरों सारे से वीडियो देखते होंगे और ये जो मेरा वीडियो देख रहे हैं YouTube एप्लीकेशन से ही आप देखते होंगे, लेकिन दोस्तों इसके अलावा भी जो है ना मोबाइल की YouTube के अंदर जो है ना कुछ ऐसे हिडन ट्रिक छुपा हुआ, कुछ ऐसे खुफिया राज छुपा हुआ जो आप लोगों को 2022 में पता होना चाहिए। अगर दोस्तों ये ट्रिक के बारे में, ये खुफिया राज के बारे में यदि आप जान लेते हो ना, तो बिल्कुल चौंक जाएंगे और यूट्यूब की दुनिया में बिल्कुल तहलका मचा देंगे। जी हाँ, तो अगर आप भी कुछ अलग सीखना चाहते, कुछ अलग जानना चाहते जो YouTube के अंदर छुपा हुआ है, तो वीडियो को पूरा देखना। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं कह लेता हूं वीडियो स्टार्ट। मेरा नाम सितारे और आप देख रहे हो अटोगा YouTube चैनल। तो दोस्तों देख सकते हो ये रहा मेरा मोबाइल फोन, और जैसे कि मैंने आपको बताया ये जो देख रहा है ना YouTube एप्लीकेशन है, इसी YouTube एप्लीकेशन के अंदर कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग न्यू खुफिया राज ट्रिक छुपा हुआ जो आप नहीं जानते, लेकिन मालूम होना चाहिए 2021 में। अगर आप सबसे पहले सीखना चाहते हो ना, जानना चाहते हो, वीडियो को लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। फ्री होता आज का वीडियो काफी कमाल का यूजफुल होता, लाइक करके सपोर्ट कीजिएगा। ये जो लाल वाला बटन दिख रहा है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पी क्लिक को ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करके कमेंट के अंदर जो है ना आपको ट्रिक लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस ये छोटी सी काम करने के बाद दोस्तों YouTube की सबसे पहला खतरनाक यूजफुल ट्रिक के बारे बता देता हूं, और इस ट्रिक से फायदा क्या होगा दोस्तों। सबसे पहले ये ट्रिक जानने से पहले आपको जो है ना प्ले स्टोर में जाकर के YouTube को अपडेट करने के बाद सबसे पहला खतरनाक यूजफुल ट्रिक के बारे में बता देता हूं, जो काफी गजब का ट्रिक है। इस ट्रिक से फायदा क्या होगा मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप सभी को पता होगा कि अगर आप YouTube से कोई भी म्यूजिक आप सुनते हैं, यानी कि वीडियो आप देखते हैं, तो अगर आप चाहते कि बैकग्राउंड में उस म्यूजिक को आप सुनना चाहते तो आप नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि उसके लिए आपको पेड वर्जन की जरूरत पड़ेगा। जी हां, लेकिन मैं आपको ट्रिक बता देता हूं जिससे कि आप जो ना बैकग्राउंड में कोई भी आप गाना को सुन सकते हैं, आप बड़ी आसानी से जो ना कहीं पर भी आप चैट कर सकते हैं। अगर आप चाहते कि भाई चैट भी करूं और यूट्यूब के अंदर जो म्यूजिक चलता है वो बैकग्राउंड में चले, आपको कुछ आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूं कि कैसे आप बैकग्राउंड में म्यूजिक गाना वगैरह सुन सकते हैं। तो ट्रिक क्या है, सबसे पहले कोई भी म्यूजिक को आपको ले लेना होगा, जैसे कि ये म्यूजिक है, ठीक है, और लेने के बाद सबसे पहले आपको लास्ट में कर देना होगा, और जैसे आप लास्ट में कर देते ना तो आपको नीचे डाउन कर देना होगा, ये जो शॉर्ट का आइकॉन देख रहे ना, इस शॉर्ट आइकॉन पे क्लिक करना होगा, कोई भी शॉर्ट वीडियो आपको देख लेना होगा। तो चलिए शॉर्ट वीडियो देख लेता हूं मैं। दोस्तों यहां पे शॉर्ट वीडियो मैंने यहां पे खत्म कर लिया। खत्म करने के बाद दोस्तों ऊपर लेके जाना इसको जो अपने म्यूजिक सुन रहा था, और इसको लास्ट में कर देना होगा। लास्ट में जैसे करने के बाद दोस्तों आपको ये जो देखना मिनिमाइज बटन, इस पे क्लिक कर देना होगा, और देख सकते हैं मेरा वीडियो चल रहा है यहां पे, जैसे कि आप सुनाई देता होगा यहां पे, देख सकते हैं यहां पे कोई भी म्यूजिक यहां पे आपको सुनाई देता होगा, यहां पे लॉर्ड बज रहा है जैसे कि आप देख रहे हो, और म्यूजिक यहां पे चल रहा है बैकग्राउंड में, और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ये ट्रिक की मदद से जो ना आप व्हाट्सएप के अंदर चैट भी कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे काफी ज्यादा यहां पे कर सकते हो, यहां पे म्यूजिक चल रहा है और यहां पे चैट भी कर रहा हूं। जी हां, तो ये ट्रिक आप लोग को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना, काफी खतरनाक यूजफुल ट्रिक है जो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। चलिए दोस्तों यहां पे बात करेंगे दूसरा ट्रिक के बारे में, और दोस्तों ये जो दूसरा प्रो ट्रिक है ये लेजेंडरी लोगों के लिए। जी हां, लेजेंडरी लोगों के लिए। अगर आप यूट्यूब से जो है ना काफी सारा वीडियो को आप सर्च करके देखते ना, तो ये ट्रिक की मदद से क्या कर सकते कि अगर आप यूट्यूब से कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, कुछ और वीडियो देखना चाहते जो लेजेंडरी लोग देखते हैं ना, और आप चाहते कि वो वीडियो का जो ना सर्च रिजल्ट जो भी आप सर्च करते हैं वो ना दिखे, और जो भी आपने वीडियो देख लिया वो जो सर्च हिस्ट्री में जो वीडियो दिखता है वो भी ना दिखे, तो आप एक ट्रिक लगा सकते हैं जो आपको सर्च रिजल्ट भी नहीं दिखेगा ना सर्च वीडियो भी दिखेगा। जी हां, तो आपको क्या करना होगा, YouTube के अंदर जाना होगा, जाने के बाद प्रोफाइल पे क्लिक करना होगा, सेटिंग में जाना होगा, और सेटिंग में जाने के बाद एक सेटिंग आपको मिल जाएगा, यहां पे आप देखेंगे प्राइवेसी यहां पे नाम करके एक सेटिंग मिल जाएगा, जैसे कि आप हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, इस सेटिंग पे क्लिक करेंगे ना तो यहां पे देख सकते कि पॉज वॉच हिस्ट्री, यानी कि जो भी आपने वीडियो देखा वो हिस्ट्री में आता है ना, उससे भी आप पॉज कर सकते थोड़ी देर के लिए, जैसे कि आप देख रहे हैं यहां पे पॉज कर दिया। अगर आप चाहते कि जो भी आप कीवर्ड सर्च करते YouTube के अंदर उसको भी आप नहीं दिखाना चाहते, पॉज करना चाहते, तो यहां से आप पॉज कर सकते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं दोनों मैंने पॉज कर दिया, और जो भी वीडियो को मैं सर्च करूंगा, जो भी वीडियो मैं YouTube के अंदर देखूंगा, और मेरा मोबाइल कोई और फ्रेंड लेगा, मेरा फैमिली मेंबर लेगा ना, उसको हिस्ट्री में कुछ भी नहीं दिखाई देगा, जो मैंने बाद में किया था एक घंटे पहले सर्च किया वो दिखाई देगा, लेकिन एक घंटे के बाद जो मैंने ये सेटिंग कर लिया ना उसके बाद सर्च करूंगा या वीडियो
देखूंगा वो हिस्ट्री में नहीं देखेगा, कानों कान किसी को खबर भी नहीं होगा, है ना। काफी कमाल का यूजफुल ट्रिक, आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलिए दोस्तों यहां पे बात करेंगे तीसरे नंबर का हिडन फीचर और ट्रिक के बारे में, बता देता हूं दोस्तों ये तीसरे नंबर का हिडन फीचर और ट्रिक है ना बिल्कुल कमाल का है, जो आप लोग को डेटा बचाने में काफी मदद करेगा। अगर आपको लगता है कि मोबाइल के अंदर जो इंटरनेट डेटा है और आपका जल्दी जल्दी खत्म होता है, वीडियो जैसे आप देखते हैं ज्यादा वीडियो देखते भी नहीं है फिर भी डेटा खत्म हो जाता ना, तो कुछ ऐसे सेटिंग है यूट्यूब ऐप के अंदर जो आपको कर लेते ना तो आपका डेटा जो ना 50% सेव होगा, यानी कि बचत होगा। जी हाँ, तो कैसे बचा सकते हैं, तो आपको क्या करना होगा, यूट्यूब को खोलना होगा, प्रोफाइल के अंदर जाना, के अंदर जाने के बाद दोस्तों यहाँ पे काफी सारा सेटिंग मिलेगा, तो ऊपर में देखेंगे डेटा सेविंग यहाँ पे नजर आता होगा, जैसे कि जनरल के नीचे में डेटा सेविंग, इस पे क्लिक करना होगा और जैसे क्लिक करने के बाद काफी सारा सेटिंग यहाँ पे ऑन है, तो ऑन ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट होता है, जो आपका इंटरनेट डेटा जल्दी जल्दी खत्म होता है, कोई भी वीडियो आप नहीं भी देखेंगे ना वो बैकग्राउंड में चलता रहता है और वो भी हाई क्वालिटी में, तो आपको क्या करना है डेटा सेविंग मोड होगा ना इस सेटिंग को ऑन कर देना होगा, और जैसे ऑन करेंगे ना तो ऑटोमेटिक सारा का सारा सेटिंग यहाँ पे ऑन हो जाएगा। उसी तरह से जो यूट्यूब के अंदर जो मशीन जो लर्निंग होता है ना, वो क्या होगा कि आपका मोबाइल के अंदर जो भी वीडियो दिखाएगा ना वो आपको लो क्वालिटी और जो एचडी होगा लेकिन लो क्वालिटी और लो डेटा लेगा, जिससे आपका आपकी वीडियो को जो ना डिक्रीज भी नहीं करेगा क्वालिटी और अच्छे से आप वीडियो वगैरह देखेंगे और डेटा भी आपका सेव होगा। जी हाँ, तो इस सेटिंग और इस ट्रिक की मदद से जो ना आप अपने मोबाइल के अंदर इंटरनेट डेटा को आप बचा सकते हैं। यह ट्रिक कैसा लगा मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना। चलो दोस्तों यहां पर बात करेंगे यूट्यूब एप्लीकेशन की चार नंबर का ट्रिक के बारे में, और दोस्तों ये जो चार नंबर का ट्रिक बताऊंगा ना बिल्कुल लाजवाब है, बिल्कुल कमाल का ट्रिक है, जो आप लोग को पता होना चाहिए 2022 में। इस ट्रिक से फायदा क्या उठा सकते हैं मैं आपको बता देता हूं। दोस्तों आप सभी को पता होगा कि यूट्यूब की दुनिया में जो ना हम लोग काफी ज्यादा वीडियो देखते हैं, आप भी वीडियो देखते होंगे, लेकिन आप लोग को यह नहीं पता होगा कि जो यूट्यूब से आप वीडियो देखते हैं तो पूरे 24 घंटे में आप कितना टाइम स्पेंड करते हैं, यानी कि आप फॉर एग्जाम्पल कि मैं यूट्यूब को जो ना दिन भर में मैं एक घंटा देखता हूं या दो घंटा देखता हूं, और हम लोग को पता नहीं चलता कि मैंने कितना टाइम मैंने वीडियो देखा यूट्यूब के अंदर, कितना टाइम स्पेंड किया, आप लोग को नहीं पता चलता है। लेकिन यूट्यूब के अंदर एक सिस्टम है, एक सेटिंग है, जिससे कि आप पता कर सकते हैं और आप सोच सकते हैं कि भाई मैं यूट्यूब के अंदर इतना टाइम वेस्टेड करता हूं, इतना टाइम को बर्बाद करता हूं, इतना वीडियो देखता हूं इतना समय के लिए, इतना समय तो मैं कुछ और काम में लगा देता, कुछ और मेरा काम हो जाता, ठीक है, तो आप कैसे जान पाएंगे। तो यहां पर देखेंगे कि आपको लिखा होगा, यहां पर देख सकते कि टाइम वॉच होगा, जैसे कि आप देख रहे ना, इस पे क्लिक करेंगे ना, और जैसे क्लिक करने के बाद यहां पे सारा का सारा हिस्ट्री देखने को मिल जाएगा, जैसे कि टुडे मतलब कि मैं वीडियो बना रहा हूं, तो अभी जो ना आधे घंटे से एक घंटे से जो ना मैं यूट्यूब पे जो ना सेटिंग को मैं सर्च कर रहा था कि क्या क्या सेटिंग है, क्या क्या न्यू फीचर आया, क्या क्या न्यू अपडेट आया, वो सेटिंग करने में इतना समय लग गया, और कल मैंने एक हफ्ता जैसे कि लास्ट 7 डेज में कितना मैंने टाइम वेस्टेड किया हूं, जैसे कि 4 आवर्स 7 मिनट, जैसे कि आप देख रहे 4 घंटा 7 मिनट मैंने एक हफ्ते में मैं अपना टाइम स्पेंड किया हूं, क्योंकि मैं ज्यादा उतना समय तो रहता नहीं कि मैं वीडियो देखूं यूट्यूब पे, तो वो आपको एक दो को वीडियो दिख जाता, कभी आधा घंटा देख लिया, पूरी 24 घंटे में एक घंटा देख लिया, तो उतना समय मैं बिता देता हूं। तो आप अपने हिसाब से देख लेना कि आप कितना समय बिताते हैं, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि YouTube एप्लीकेशन के अंदर आप अपने मोबाइल के अंदर जाते हैं तो YouTube के अंदर कितना टाइम आप वीडियो देखते हैं, कितना समय देखते हैं, कितना टाइम गुजारते हैं YouTube के अंदर, मुझे एक बार कमेंट करके जरूर बताना, मुझे पता तो चले आप लोग कितना टाइम वीडियो आप देखते हो, ठीक है, तो इस ट्रिक से आप पता कर सकते हो। अगर आप चाहते हैं कि टाइम ब्रेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे सेटिंग है, टाइम ब्रेक वगैरह कर सकते कि भाई 20 मिनट देखो और मेरे को ऑटोमेटिक अलर्ट बताए, तो वो आप यहाँ से ऑन वगैरह कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते, ठीक है। तो यही था कुछ ऐसे हिडन न्यू फीचर और ट्रिक जो अपडेट जो मैंने आपको YouTube एप्लीकेशन के अंदर छुपा हुआ था लेकिन आप लोग को नहीं पता था, तो अगर आपको कुछ अलग सीखने को मिला, कुछ अलग जानने को मिला, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल पे क्लिक ऑल पे सेट कर दीजिएगा, इस वीडियो को शेयर करना मत भूलना। दोस्तों फिर मिलेंगे दोस्तों वीडियो में, अपने ख्याल रखिए, टेक केयर एंड गुड बाय।